अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एज़ अ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो जो है वो है डॉक्टर राशेल के बारे में, बिकॉज़ के इंस्टा पे, फेसबुक क्या, इंस्टा क्या, सब जगह धूम मची हुई है जी। डॉक्टर राशेल के प्रोडक्ट्स शेयर कीजिए, ऑनलाइन कहाँ से मिल जाएंगे ये बता दीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स देना पॉसिबल नहीं था जब तक मैं इनका खुद देख ना लूँ, इनका एक्सपीरियंस ना कर लूँ कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं। सो तीन हफ्ते मैंने यूज़ किया है इन प्रोडक्ट्स को, 3 वीक यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू यहाँ पे डॉक्टर राशेल के प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने यहाँ पे वाइटनिंग सीरीज़ को यूज़ किया है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। सो वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर इनका जो वाइटनिंग सीरीज़ है इनमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। वाइटनिंग फेड आउट सीरम है यहाँ पे, वाइटनिंग फेड आउट क्लेंजर है, देन यहाँ पे नाइट एंड डे क्रीम है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपको क्या करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पे हम बात करेंगे डॉक्टर राशेल के इस वाइटनिंग क्लेंजर के बारे में, जो कि क्रीम कहते हैं, मेक कवर डार्क फेड आउट स्पॉट एंड वाइटनिंग एंड प्यूरीफाई स्किन। 80 ml की ट्यूब है, ये ट्यूब में है, बाकी सब जो है जार पैकेजिंग है, ग्लास पैकेजिंग में है और बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है इनकी। यहाँ पे इसका टेक्सचर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर एक स्टॉपर था जो कि मैंने रिमूव कर दिया है और दिखने में कुछ ये वाइट सा है, इस तरीके का है। ये देखिए स्मेल इसकी बिल्कुल फेयर एंड लवली के क्लेंजर को याद दिला देती है, फेयर एंड लवली के सॉरी फेस वॉश को याद दिला देती है। स्मेल बिल्कुल फ्रेग्रेंस इसकी फेयर एंड लवली के ट्यूब में जो आता है फेस वॉश, उसकी तरह की स्मेल है इसकी, उसी तरीके का थिकनेस भी है इसका, बट कमाल का रिजल्ट रखता है। मैं 3 हफ्तों से इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से फेड आउट करता है आपकी स्किन को, इवन ट्यून करता है। और टेक्सचर्स आप यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ी देर के लिए आपने लगाना है और लगा के अच्छे से मसाज करना है। सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन्स हैं, डायरेक्शंस भी हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आपने इसे फेस पे, गीले फेस पे आपने वेट करके अपने फेस को फिर उस पर अप्लाई करना है, थोड़ा सा मसाज करना है, उसके बाद इसको पानी से वॉश कर लेना है। इसका मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग भी आउट क्लास की पैकेजिंग है और इस तरीके से ये देखिए पूरे पैक होकर आए थे। यहाँ पे इसका एक्सपायरी है, इस तरीके से पैक थे सारे और इनको रिमूव किया है मैंने, अच्छे से सील पैक था। इसमें आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। उनका व्हाट्सअप नंबर भी है और वो भी आपको नीचे लिंक शेयर करूंगी आपके साथ, या यहाँ पे नंबर चला दूंगी, आप वहाँ पे कॉल करके उनसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पर इसका एक्सपायरी है और एक्सपायरी जो है वो यहाँ पर मैंशन है, 2023 तक ये है, यहाँ पर देख लीजिए 2023 तक जाएगा। पता नहीं क्यों कैमरा फोकस नहीं कर रहा है यहाँ, 2023 ये देखिए एक्सपायरी है इसकी, अच्छी खासी एक्सपायरी है इसकी और प्राइस भी बहुत रिजनेबल प्राइस है, 2300 या 2200 की। ये पूरी सीरीज़ मैंने वाइटनिंग सीरीज़ मंगवाई थी, मुझे कुछ याद नहीं है अभी, और आपके साथ मैं नीचे प्राइस भी मैंशन कर दूँगी और लिंक भी शेयर कर दूँगी जहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। सो सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, यहाँ हम इनका वाइटनिंग, डॉक्टर राशेल का वाइटनिंग स्किन फेड आउट सीरम, जो कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी ग्लास बॉटल में है और यहाँ पे इसकी पैकेजिंग जो है वो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज़ के ग्लास है, बहुत एहतियात से आपको ले जाना पड़ेगा, टूट भी सकता है। 50 ml है यहाँ पर मेरे पास इसमें, और इसको चेक करने के बाद
यहाँ पे ये देखिए, वॉटरी है ये, थोड़ा सा टाइम लेता है ऑब्ज़र्व होने में और बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट्स हैं इसके। रिज़ल्ट्स आपके साथ यूज़ करने के बाद ही शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको इसको ऑब्ज़र्व करना होता है क्लेंज़र करने के बाद। इसके बाद आपको नाइट क्रीम यूज़ करनी होती है और सुबह फेस वॉश से वॉश करने के बाद इनकी डे क्रीम यूज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर ये जो है स्टिकी नहीं है, एकदम से ऑब्ज़र्व हो जाता है, नो स्टिकी, रनी है थोड़ा सा। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा शिमरी टाइप का एक लुक आता है इससे। आप ये डे में भी लगा सकते हैं, मैं इसको डे में भी यूज़ कर रही हूँ। डे वाइटनिंग डे क्रीम से पहले इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को शाइनी एंड शिमरी बना देता है विदाउट मेकअप। और रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं, 10 में से 10 दूँगी मैं इनके सीरम को और इनके क्लेंज़र को। देन यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी वाइटनिंग डे क्रीम की, नाइट की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे वाइटनिंग नाइट क्रीम सीरम लगाने के बाद हमें अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है उसको। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी पैकेजिंग है, ये देखिए नाइट क्रीम की, बहुत ही कमाल की पैकेजिंग है इनकी। ये नाइट क्रीम है और ये क्लेम करते हैं इवन स्किन टोन करती है, रिड्यूस डार्क स्पॉट एंड नरिश एंड रिपेयर करती है आपकी स्किन को। और डेफिनेटली करती है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये आपके फेस के ऊपर। दिखने में यहाँ पे इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी, ये देखिए इस तरीके की पैकेजिंग में है ये, और बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग है इसकी। पीछे इसके सारे जितने भी हैं ये लिखे हुए हैं, दुबई में ये मैन्युफैक्चराइज हुई है और चाइना ब्रांड है, ये चाइना बना रहा है। यहाँ पे इसको ओपन करके मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ। यहाँ पे इनका ये लिड है एक प्लास्टिक का। इनकी जो नाइट क्रीम है वो थोड़ी सी पतली सी है, ये देखिए इस तरीके की है ये। इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। रिपेयर करती है आपकी स्किन को, फेड आउट को भी लाइटनिंग पे लाती है, इवन ट्यून करती है आपकी स्किन पे। अगर डार्क सर्कल्स हैं और एक जैसी नहीं है तो फिर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी आपकी स्किन पर। और यहाँ पर देखिए, स्टिकी नहीं है, फौरन से ऑब्ज़र्व हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। लास्ट में आते हैं इनकी डे क्रीम के बारे में। डे क्रीम जो है इनकी, उसका भी आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है उसकी भी जो है जी। ये क्लेम करते हैं रिड्यूस पिगमेंट टेशंस, 24 आवर मॉइस्चराइज रखती है आपकी स्किन को, इवन टोन करती है आपकी स्किन को। और SPF 20 भी मौजूद है इसके अंदर, जिससे आपको सन ब्लॉक भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सन ब्लॉक सर्दियों में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, पर बाहर आप जब निकलें तो डेफ़िनेटली आपको लगाना चाहिए। और यहाँ पे एज इट इज़ उसी तरीके की है जैसे इनकी नाइट क्रीम की थी। और यहाँ पे आप इसकी भी पैकेजिंग सारी वही है, आप देख लीजिए इस तरीके से खूबसूरत सी पैकेजिंग है। इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ये क्रीम है इसके अंदर, इसका भी ये लिड है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसको कितना यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बात की जाए अगर इनकी डे क्रीम की, तो डे क्रीम जो है वो थोड़ी सी फेयर एंड लवली का इफ़ेक्ट देती है। फेयर एंड लवली जिस तरीके से करती है, एकदम से वाइटनिंग कास्ट छोड़ती है, इसी तरीके से इसकी भी वाइटनिंग कास्ट है। ये ज़रा सी मैंने ली है, आप देखिएगा इससे कितना वाइटनिंग, बट ये है कि वाइटनिंग है तो वाइट तो करेगी। रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है इनके,
थोड़ा सा वाइटनिंग कास्ट छोड़ती है। अच्छा ही इसलिए भी है कि आप कोई बेस नहीं लगाएं, डेली वेयर पे यूज़ कर सकते हैं डेली इसको। ये देखिए थोड़ा सा वाइटनिंग कास्ट है जो कि आप ऑब्ज़र्व करने के बाद ये थोड़ी देर में ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए इसकी डे क्रीम की, अच्छा खासा रिज़ल्ट है इसका और रीज़नेबल प्राइस में है। 2300 में ये सीरीज़ मैंने इनकी ली थी, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। बट आप कुछ भी इसमें से स्किप मत कीजिएगा, अगर आपको इसका रिज़ल्ट चाहिए 100% तो ये आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आप क्लेंज़र यूज़ करेंगे रात में, फिर आप जो है ये डे में भी यूज़ कर सकते हैं सेम एज इट इज़। इसी तरह ड्राई स्किन के लिए सुपर डुपर काम करती है, मेरी ड्राई स्किन है, मेरी स्किन को सूट कर रही है। और अगर आप लोगों की करे ना करे ये मैं नहीं कह सकती, नहीं होती तो इसलिए मैं नहीं कह सकती आपकी स्किन पर कैसा वर्क करेगी या नहीं। मेरी स्किन पर वर्क कर रही है ये, और यहाँ पर ये मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये मेरे पास, आप यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल एंड चल रहा है इसका। और 3 हफ्ते मैंने यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आप अगर चाहें इसको मंगवाना तो आप मंगवा सकते हैं पूरी सीरीज़। इनका एंटी एजिंग सीरीज़ जो है उसको शेयर करूँगी आपके साथ उसके रिजल्ट्स पर, बट उसको यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद ही आपको बताऊँगी कि किस तरीके का उसका रिज़ल्ट है। इसका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका जो है ना डे क्रीम एंड क्लेंजर का है। अगर बात की जाए कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं, क्या डॉक्टर राशिल के वाइटनिंग सीरीज़ प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं या नहीं, डेफिनेटली करते हैं, 10 में से 9% करते हैं, बिकॉज़ के बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 3 हफ्तों के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट दें। देन प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में बहुत ही रिजनेबल प्राइस हैं, बिकॉज़ के विंसी के जो मैंने आपके साथ प्रोडक्ट्स स्किन केयर रूटीन शेयर की थी वो 13 to 14,000 रुपीज़ की पूरी स्किन केयर रूटीन थी, और इनकी ये जस्ट स्किन केयर रूटीन जो कि अच्छी खासी प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अगर आप यूज़ करें तो 1 से 1.5 महीना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी खासी प्रोडक्ट है इसके अंदर, अच्छी खासी मिकदार है, और इसका जो प्राइस है वो है 2400 रुपीज़ की जस्ट। ये आपको पूरी सीरीज़ मिल जाती है। सो ये था रिव्यू आज का डॉक्टर राशिल के वाइटनिंग सीरीज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।